आगे बढ़े के बात करेंगे झुंझुनू से। इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है, प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा पटवारी भर्ती एग्जाम है इस साल, यानी के अगले माह से आएगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने जी राजस्थान न्यूज से खास बातचीत में इस मुताबिक जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि परिणाम को तैयार करने की जो प्रक्रिया चल रही है, बोर्ड कोशिश कर रहा है कि दिसंबर महीने में इसका परिणाम घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा जेईएन भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद उठ रहे सवालों पर भी हरिप्रसाद शर्मा ने जी राजस्थान से बातचीत में कहा कि निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी असफल होते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं होते और चाहेंगे कि परीक्षा निरस्त हो, दोबारा हो। लेकिन वे दावे के साथ कह सकते हैं कि ना केवल परीक्षा पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हुई है, बल्कि परिणाम भी उसी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ ही घोषित किया गया है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा झुंझुनू के दौरे पर। सर, पहले तो बधाई, बहुत बड़ी पटवार परीक्षा एकदम सकुशल संपन्न हो गई, तो अब युवाओं को रिजल्ट का इंतजार है, तो कब तक का क्या लगता है? हाँ, परिणाम प्रक्रिया पूरी होने की तरफ के प्रयास जारी है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसका परिणाम घोषित हो, पर थोड़ा समय लगने की संभावना है क्योंकि हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि परिणाम में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। माना जाएगी इसी साल में आ जाएगा या अगले साल के जनवरी? उम्मीद इसी साल की कर रहे हैं। सर, अभी भी 2-3 वैकेंसियाँ निकाली है, तो अब लेटेस्ट कौन सी परीक्षा की ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं जिसमें पूरा फोकस है कि ये परीक्षा हम पर हो? निकट समय में 5 परीक्षाएं आयोजित कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है। दिसंबर में 2 हैं, पहला संगणक, दूसरा जिसको हम ग्राम सेवक बोलते हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी जिसका नाम किया गया वो है, तीसरा अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन की है, और चौथी जो भर्ती है वो बेसिकली मोटर वाहन उपनिरीक्षक की है, और पांचवा एक भर्ती है APRO की, जो आप पत्रकारों से संबंधित है। सर, जेईएन परीक्षा के परिणाम को लेकर है, तो कब लगता है कि कोई त्रुटि हुई है या कोई जांच कर? नहीं, ऐसा कोई नहीं है और इसका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। इसमें निश्चित रूप से जो कुछ अभ्यर्थी असफल होते हैं वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, वो चाहेंगे कि परीक्षाएं निरस्त हो, दोबारा हो, लेकिन बाकी परीक्षा पूर्णतया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हुई है। तो कट ऑफ ज्यादा गई है, वो प्रतिभाओं पर निर्भर रही थी? नहीं, नेचुरली कुछ बचे कि एक तो 9 महीने का समय ज्यादा मिला और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसका निश्चित रूप से जो कट ऑफ है वो ऊपर जाता है। आगे वाली जो परीक्षा आ रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? क्या बच्चे तैयारी करें और जो योग्य है और जो पात्र है वो ही चयनित होंगे, परीक्षाएं पूर्णतया पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। हमारे साथ हरिप्रसाद शर्मा, जिन्होंने कहा कि जो भी परीक्षाएं होगी पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और बच्चे तैयारी करके परीक्षाएं दे और जरूर सफल होंगे। संदीप केडिया, जी मीडिया, झुंझुनू। आगे बढ़े।